अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बेक चिकन एंड चीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये वही ब्रेड रोल हैं जो आप अक्सर बेकरी से बाय करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि घर पे बनाना इसको बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। यहाँ हमने मैदा लिया है 2 कप, 1 अदद अंडा है, मेल्टेड बटर है हमारे पास 5 टीस्पून, 1 टीस्पून हमारे पास ईस्ट है, शुगर है 2 टीस्पून और सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। 1/2 कप हमें नीम गर्म दूध की ज़रूरत होगी। दूध को जो है वो हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताती जाऊँ कि जितनी भी मेरी बेकिंग की रेसिपीज़ हैं उन सब को जो मैं मेजर करती हूँ वो मैं मेजरिंग स्पून के साथ ही मेजर करती हूँ। सबसे पहले हम नीम गर्म दूध में शुगर ऐड करेंगे, फिर इसमें हम ईस्ट डालेंगे। ये इंस्टेंट ईस्ट है, थोड़ा सा मैं स्पून के साथ इसे मिक्स कर दूंगी। अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको एक्टिव होने के लिए रख देंगे। पाँच मिनट के बाद यहाँ पर हमने मैदे में नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर यहाँ पर अंडा ऐड करेंगे। अंडे को पहले मैदे में अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, फिर बाद में बाकी बैटर ऐड करेंगे। जब अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम ईस्ट डाल देंगे जो कि हमने दूध के अंदर सोक करके रखा था। अब पहले इसको मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी ताकि जो वेट इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे तरीके से पहले ड्राई में मिक्स हो जाए। इस तरह से अब हम जब वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं तो अब हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको एक डो की फॉर्म में अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैटर आपका ड्राई है, डो बहुत ड्राई है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून दूध और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मेल्टेड बटर ऐड करूँगी और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं काउंटर शेल्फ पे शिफ्ट कर दूंगी और हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंदूंगी। जैसे हम नॉर्मली पिज़्ज़ा की डो को अच्छी तरह से नीट करते हैं, उसी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे ताकि इसमें जितने भी आपको लम्प्स नज़र आ रहे हैं वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए और डो जो है वो बहुत अच्छी सी स्मूथ सी रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट मैं इसको इसी तरह से नीट करूँगी। ये देखें, डो अब कितनी अच्छी सॉफ्ट और स्मूथ हो चुकी है और बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है। इस तरह से हमें इसको करना है। अब एक बाउल को मैं ऑयल के साथ या बटर के साथ ग्रीस कर लूँगी और इसमें हम ये डो रख कर इसको कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको चाहे तो किसी कपड़े के साथ या क्लिंग रैप के साथ कवर कर लें और राइस होने के लिए रख दें। अब जब तक डो हमारी राइस हो रही है हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है जो कि बॉयल है। सिंपल पानी में मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था और इस तरह से श्रेड कर लिया। ये 1 अदद कैप्सिकम है जो कि मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई और सब्ज़ी यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि कैरेट, कैबेज या स्वीट कॉर्न, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद प्याज लिया है चॉप किया हुआ, मिल्क है 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1/2 कप, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश रेड चिली, सॉल्ट और मैदा। इसके अलावा 3 से 4 टेबलस्पून हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। अब 1 देचकी में मैंने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसमें चिकन कर दूंगी।
थोड़ा सा चिकन को हम प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर, क्रश्ड चिली और सॉल्ट। अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी आपकी आसानी के लिए। जब स्पाइसेस अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं तो हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और सिर्फ एक मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ। जैसे ही मैदा थोड़ा सा फ्राई होता है, साथ ही हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। जब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बैटर जो है वो थोड़ा रनी है, लेकिन क्योंकि हमने मैदा ऐड किया हुआ है इसके अंदर, तो ये कुछ ही मिनट के अंदर जो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। देखें, ये ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर दें, या अगर कोई भी आप वेजिटेबल अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैप्सिकम को ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्सिकम जो है वो ऐड होके मिक्स हो गई है इसके अंदर, और उसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, मिल्क भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इस फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं। जैसे ही ये फिलिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूंगी। ये मोज़रेला चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, हाफ कप के करीब मोज़रेला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं चिकन में मिक्स करके, चिकन को कवर करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो ये फिलिंग एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, और ये बहुत मज़े की फिलिंग बनती है। बहुत सारी चीज़ों में आप इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक कि हमारी डो अच्छे तरीके से राइस हो जाए, तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब किसी भी नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम डो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया है, और अब हम इसको, अब आपको बताती जाऊँ कि जितनी डो की रेसिपी मैंने आपको बताई है इसमें हम 10 ब्रेड रोल रेडी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह से डिवाइड करने से क्या होता है कि आपके तमाम जो ब्रेड रोल हैं या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो इक्वल साइजेस की बनती है। बस आपको हल्के हल्के निशान लगा के कट कर लें इस तरह से। अब इसको मैं अच्छी तरह से रोल करके एक स्मॉल डो की शेप में ले आऊँगी। इस तरह से एक बॉल बन गया है। इस तरह से देखें, अब हमने 10 बॉल जो है वो रेडी कर लिया। अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लूँगी। इस तरह से हमें इसको रेडी करना है, ओवल शेप में हमें इसे बेलना है, और आप थिकनेस देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से रोटी की थिकनेस होती है। अब इस पे हम फिलिंग रखेंगे और हमें इसे इसी तरह से रोल करना है जैसे हम नॉर्मल स्प्रिंग रोल को रोल करते हैं। पहले एक साइड से हम इसको टर्न करेंगे, अब दूसरी तरफ से, और अब इस साइड से हम उसको उठाकर रोल कर लेंगे। कॉर्नर से आपको इसको सील करने के लिए कोई भी पानी या कोई बैटर नहीं लगाना है, बल्कि इसी तरह से हम इसे रखेंगे। अब एक बेकिंग डिश को जो है वो मैंने ऑयल के साथ इस तरह से ग्रीस कर लिया है, यहाँ पर मैं ये रोल्स बना के रखती जाऊँगी। एक रोल से दूसरे रोल में थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा राइस करेगा। एक और रोल की फिलिंग आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने रोटी को ओवल शेप में बेल लिया है।
फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप थोड़ी सी अच्छी साइज की फिलिंग रखेंगे, बहुत कम नहीं ऐड करेंगे। एक साइड से टर्न किया है, अब इसी तरह से दूसरी तरफ से, और अब इधर से हम इसको आराम से रोल करते हुए इस तरह से घुमाते जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे हमारे रोल जो हैं वो रेडी हुए हैं। इस तरह से मैं तमाम रोल जो हैं रेडी कर लूँगी। ये देखें तमाम रोल जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। पूरे 10 रोल इस डो के अंदर हमने बनाए हैं। अब इसको मैं तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए राइज होने के लिए रखूँगी। इस वक्त आप इसको किसी भी क्लिंग रैप के साथ या किसी भी कपड़े के साथ कवर करके 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप इसको राइज होने के लिए रखेंगे, ताकि एक दफ़ा ये दोबारा से थोड़े से राइज हो जाए और उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत अच्छे से थोड़े से राइज कर गए हैं ये। इसी तरह से हमें ये चाहिए। अब हम एक अदद अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसके ऊपर हम एग वॉश करेंगे। आपको अच्छी तरह से साइडों तक इसको एग वॉश करना है। एग वॉश करने से इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम तिल स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप वाइट तिल नहीं पसंद करते तो आप जो ब्लैक वाले सीड आते हैं वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दूंगी। अब तमाम रोल्स को मैं इसी तरह से पहले एग ब्रश करूंगी और फिर इसको तिल के साथ स्प्रिंकल करके तो रेडी कर लूंगी। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। अब ओवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया हुआ है 15 मिनट से पहले से। तो यहाँ पर हम इसे ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको बेक करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट इसको बेक किया और कितने अच्छे ये गोल्डन हो चुके हैं और बहुत अच्छे राइस किए हैं। बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये ब्रेड रोल। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप जब आप ये बनाएंगे तो आप बाज़ार से ख़रीदना बंद कर देंगे और आप घर पे ही इसको रेडी करेंगे। रेसिपी बहुत मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।